नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक के लोगों ने अपने घरों से निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। दोस्तों, जब सरपंच की नींद खुली तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने पाया कि जहां पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने भी ये दावा किया कि इस तालाब से निकली हुई नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर जरूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास तक आने से डरते थे और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। खैर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, लेकिन 200 साल बाद एक चौंका देने वाली एक घटना कमल सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने का सबूत दिया। दरअसल दोस्तों, कमल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। कमल सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। कमल सिंह महादेव के परम भक्त थे, वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहां पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, कमल सिंह के खेत के पास जो तालाब है वो काफी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु कमल सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था और इसलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। कमल सिंह की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेत में लेकर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ही ज्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। कमल सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैर के उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसकी माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा, आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। कमल सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। कमल सिंह ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा, तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। कमल सिंह और उनकी पत्नी
दोनों इस चमत्कार को देख के हैरान थे। तभी कमल सिंह को लोगों के द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों जब ये घटना गाँव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों नागिन से संबंधित कई किस्से कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं से जितनी जानकारी हमें हासिल है उसके अनुसार इच्छाधारी नाग सांपों का एक बहुत ही दुर्लभ रूपांतरण है जो आसानी से नहीं दिखता। जब कोई सांप अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लेता है तो वो इच्छाधारी नाग या नागिन में परिवर्तन कर लेता है। दोस्तों कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर उसे छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिलों का पता बता लेती है जिन्होंने उसे उसके नाग से जुदा किया हो। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। चमत्कारी शक्तियों से ये इच्छाधारी नाग नागिन इच्छा अनुसार मनुष्य सहित किसी भी प्राणी का रूप धर सकते हैं। वो बहुत लंबी उम्र जीते हैं बशर्ते कोई असमय उनकी हत्या ना करते। उनके साथ रहस्यमय नागमणि के किस्से भी जुड़े हैं। नागों में पाया जाने वाला एक ऐसा चमकीला और बेशकीमती पत्थर जिसे हासिल करने वाला आरोग्य और दुनिया भर के ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। इस पत्थर को नागमणि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जिस भी व्यक्ति की नागमणि को हाथ लग जाए उसकी किस्मत चमक उठती है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी प्रचलित हैं। दोस्तों नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग नागिन के अमर प्रेम और नाग की हत्या हो जाने पर नागिन के प्रतिशोध की लोम हर्षक कथाओं से भी हम परिचित हैं। नागिने सुंदर स्त्री का रूप धरकर मनुष्य से प्रेम भी करती हैं, अल्पकालिक विवाह भी और उनके साथ बदले की कार्रवाई भी। वास्तविकता और तर्क से परे होने के बावजूद इन इच्छाधारी नाग और नागिनों ने सदियों से हमारे मानस का एक हिस्सा घेर रखा है। आज के वैज्ञानिक युग में भी इच्छाधारी नाग नागिन के प्रति अधिसंख्य लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लोग उनसे डरते भी हैं और देवता मानकर घरों तथा मंदिरों में उनकी पूजा भी करते हैं। देश भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाने वाला नाग पूजा, नाग पंचमी या मणि पूजा का पर्व उन्हीं को समर्पित है। माना जाता है पूजा से नागों को प्रसन्न करने से परिवार और सर्प दोष के भय से मुक्ति और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदुओं के दोस्तों कई देवताओं को नागों का अवतार तक बताया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों आज की ये घटना और जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।